दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रियंका। हैप्पी विल साक्षी फैमिली में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, घर और किचन के काम को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लाई हूं, जिसे देखने के बाद कहेंगे काश ये हमें पहले पता होता तो हमारा कितना सारा बचत हो जाता। तो चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अगर तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार तो ज्वाइन भी जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं आज की पहली टिप्स। देखिए गैस तो हम लोग ऊपर से अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, देखने में भी अच्छा लगता है, लेकिन दोस्तों जो कुछ कुछ पार्ट होते हैं ना, जिसपे हम लोग ध्यान ही नहीं देते या फिर कभी इस पर नज़र ही नहीं पड़ती। जैसे कि देखिए, यहाँ पे स्विच वुड का जो स्विच का जो एरिया होता है ना, यहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग भी नहीं हो पाती है। यहाँ का एरिया जो है ना, काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे गंदगी बैठते जाती है। तो इसे क्लीन करने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है, यहाँ पर सबसे पहले हमें इसके स्विच को निकाल देना इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, कितनी ज़्यादा गंदगी जो है धीरे धीरे करके बढ़ जाती है। डेली तो नहीं, लेकिन हाँ सप्ताह में या महीनों में एक बार ज़रूर इस तरीके से क्लीन कीजिए। यहाँ पे मैंने लिया एक टूथपिक, टूथपिक से बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हो। अब देखिए, इसमें जितने भी कचरे फंसे हुए हैं ना, इन सबको अच्छे से निकाल लीजिए। यहाँ पे आपको नुकीले चीज़ों का यूज़ नहीं करना, जैसे कि सेफ्टी पिन हो गए, सुई हो गए, इससे क्या होगा ना, इसमें स्क्रैच पड़ जाएंगे, ठीक ना। इसीलिए हमें जो है इसको ठीक सावधानी से करना ही, तो क्या होगा, नए नए जो बर्तन होते हैं, सामान होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, स्क्रैच पड़ने से गंदा दिखता है। देखिए बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। अब क्या करना है दोस्तों, आपको और अच्छे से क्लीनिंग करनी है तो थोड़ा सा कपड़ा लगा लीजिए और इसमें लपेट के, या फिर कॉटन से भी आप इसकी सफाई कर सकते हो। देखिए दोस्तों, और भी डीप क्लीनिंग करनी है तो आपको टूथपिक में ही इस तरीके से कपड़े को रोल कर लीजिए, एंड देन जो है काफ़ी अच्छे से इससे क्लीनिंग हो जाती है। ये देखिए कितनी ज़्यादा कचरे जो हैं जमे हुए थे। तो इन सब की स्विच बोर्ड अगर साफ़ नहीं करते ना, तो इसमें जो धीरे धीरे बैक्टीरिया वगैरह पनपने लगते हैं, क्योंकि छोटे छोटे अनाज के कण जो है ना इसमें चला ही जाता है। तो देखिए अब हो गया ना पूरी तरीके से क्लीन, तो है ना ये कमाल का आइडिया। अब चलिए स्विच बोर्ड को लगा दीजिए, हमारा अंदर से भी ये क्लीन हो गया। देखिए हमारा जो है ये जैम भी हो जाता है गंदे होने की वजह से, तो अब ये देखिए कितने अच्छे से ये चलने लगा। दोस्तों मेरी अगली जो टिप्स है फ्रेंड्स, वहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है एक आलू। जी हाँ दोस्तों, अब आलू से हम क्या करने वाले, यहाँ पे देखिए मैंने आलू को इस तरीके से कट कर लिया। अब चलिए इसका यूज कैसे करना है मैं बताती हूँ। दोस्तों ये जो देखिए हमारा जो सिंक के पास जो मिरर होते हैं, या फिर जो भी मिरर होते हैं ना, देखते धीरे धीरे इस पर दाग पड़ जाते हैं, पानी के छींटे पड़ने से काफ़ी ज़्यादा ये गंदा हो जाता है। इसमें कभी कभी तो फेस भी नज़र नहीं आता, इतना ज़्यादा ये गंदा हो जाता है। इसे क्लीन करने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है, हमें क्या करना है दोस्तों, ये हमने एक आलू ले लिया है, अब आलू से हमें किसी से रख देना है। देखिए कुछ इस तरीके से, बहुत ही अच्छे से क्लीन होती है इसे, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। जितने भी दाग धब्बे हैं ना, सारे के सारे छूट जाते हैं, ये पूरी की पूरी जो है सब सब चमक जाता है। यहाँ पर इस तरीके से बस इसे रब कर देना है आलू। चलिए मैंने इसे रब कर दिया, अब इसे एक कपड़े गीला कपड़ा से इसे मैं पोंछ दे रही हूँ। दोस्तों अब क्या करना है, इसे अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ लीजिए। हमारा मिरर देखिए कितने अच्छे से चमक जाता है, जितने भी पानी के दाग होते हैं, पेस्ट के दाग होते हैं, गंदे पानी के, वो सारे की सारे अच्छे से क्लीन हो जाती है, हमारा मिरर बिल्कुल चमकने लगता है। तो ना ही हमने कॉलिन यूज किया, ना ही कुछ और क्लीनिंग प्रॉपर्टी, और देखिए शीशा कितने अच्छे से ये चमक गया। तो है ना ये कमाल का आइडिया, जरूर ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगा तो एक लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों मेरी आज की जो अगली टिप्स है वो है, देखिए इस तरीके से, देखिए यहाँ पे लिया है मैंने नीम की पत्तियाँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके भी आसपास में नीम की पत्तियाँ ना, तो आप इसका यूज ज़रूर कीजिए, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आज जो मैं रेमेडी बता रही हूँ ना, इससे बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला। तो यहाँ पर देखिए इस नीम की पत्तियाँ तोड़ लेनी है, आप चाहे तो इसे डंडियों में भी रख सकते हो, ठीक है। पहले के ज़माने में लोग इसी को यूज करके अपने जो है ना अनाजों को बहुत ही ज़्यादा दिनों दिनों तक जो है सेफ रखते थे, बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े नहीं लगते थे, दवाई का यूज नहीं करते थे, बस नीम की पत्तियां ही भर भर के डालते थे। गांव में लोग ऐसे ही करते हैं, जब अनाज रखते हैं ना ड्राम में, कोठियों में, तो उसमें जो है ना भर भर के नीम की पत्तियां डाल देते, ताकि उसमें जो है कीड़े मकोड़े ना लगे, घुन ना लगे अनाजों में। यही तरीका हमें करना है दोस्तों अपने किचन के रसोईयों में। ये जो हमारे पास दालें होती है, चावल होते हैं, ये सारे जो है ना बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं। आपको क्या करना, इस तरीके से आपको हर एक चावल के डब्बे में, दालों में आपको इस तरीके से डाल देना। देखिएगा इस बारिश के मौसम में ना ऐसे भी बहुत ही जल्दी कीड़े मकोड़े पकड़ने लगते हैं ना, बहुत ये सेफ रखेगा, बिल्कुल भी इसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। नीम की पत्तियाँ जो है ना
इसकी जो तीखापन होता है, इससे जो है ना कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। तो इसी तरीके से आप जो है ना अपने चावल के डब्बों में भी डाल दीजिए। अगर आप इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चावल रखते हैं ना तो उसमें डाल दीजिए, बिल्कुल भी इसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। होप करती हूँ ट्रिक पसंद आए। पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज्वाइन भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मेरी अगली टिप्स है फ्रेंड्स, वो है इस तरीके से देखिए दूध के जो बर्तन होते हैं पतीले, उसमें कितने अच्छे से आप दूध गर्म कीजिए ना, इस तरीके से गंदे रहते ही हैं। अगर आप इसे ऐसे ही बर्तन धोने जाते हो ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ होती है। तो होता क्या है, जब इस तरीके के बर्तन को ना हम इस तरीके से डायरेक्ट अगर ऐसे ही धोने जाते हैं ना तो देखिए क्या होता है ना, इस तरीके से सारे जो है ना इसकी मलाई और ये जो क्रीम होते हैं ना सारे स्पॉन्ज में आ जाते हैं, और स्पॉन्ज हमारा बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, हाइजीनिकता बैक्टीरिया से भर जाता है। तो इस तरीके से गंद साफ तो होता है, टाइम भी लगता है और ये गंदा ज़्यादा हो जाता है, इसे ज़्यादा धोना पड़ता है। यहाँ पे बहुत ही आसान सा ट्रिक है, इसे धोने से पहले हमें क्या करना है दोस्तों, इस तरीके जो दवाई के रैपर होते हैं ना कुछ दवाइयाँ खाने की वजह से हमारे पास इस तरीके की दवाइयाँ आ ही जाती है घर में, इसके जो रैपर होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं, इसे बिल्कुल भी कभी फेंकने की गलती मत कीजिएगा। अब देखिए इसकी हेल्प से कितने आराम से जो है ना सारी की सारी मलाई जितने भी जम चुकी है हार्ड हो जाती है, तो बहुत ही आराम से इसे आप पहले इस तरीके से छुड़ा लीजिए, ये देखिए। इसके बाद अगर आप बर्तन धोते हो ना तो बिल्कुल ये क्लीन हो जाती है, कोई भी भार नहीं पड़ेगा आपको बर्तन के धोने में। ये देखिए जितनी भी मलाइयाँ दिखती है इस तरीके से जमी हुई हार्ड वाली, उन सबको अच्छे से हमें छुड़ा लेना है इसे। अब बर्तन धोते हैं ना वहीं पे रस रखे रहिए, काफ़ी ज़्यादा दिनों तक चल जाता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। अब देखिए अब नॉर्मली अब इससे बर्तन मांजते हो बिल्कुल भी ये गंदा भी नहीं होगा, फटाफट से क्लीन भी हो जाएगा। तो है ना ये कमाल का ऐड, के कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। होप करती हूँ ट्रिक पसंद आई हो।